ये पेपर्स तुम्हें साइन करने हैं विशाल। कोर्ट में तुम्हारे केस को दाखिला तो मिल गया है, 7 तारीख मिली है पहली सुनवाई की। मेरे ख्याल से ये मामला 4 तारीखों तक खींचेगा। मैंने तुम्हारे क्राइम ब्रांच शिफ्ट करवाने के ऑर्डर्स कैंसिल करवा दिए हैं, अब तुम यही रहोगे। यहाँ कुछ ऑफिसर्स हैं मेरे पहचान के, वो तुम्हारा खास ख्याल रखेंगे। बस अब तुम यहाँ कुछ गड़बड़ मत करना। तैश में अगर तुम्हारा खुद पे काबू तो रहता ना, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी चार्जशीट में कोई नई बात जुड़े। पहली कुछ तारीखों में मैं तुम्हें कोर्ट में हाजिर नहीं कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स लगा दी है। हो सकता है पुलिस का कोई मेडिकल ऑफिसर तुम्हें एग्जामिन करने आए, तुम उसके साथ। आप बेफिक्र रहिए खुराना साहब, मैं यहाँ कोई गलती नहीं करूंगा। मैं भी नहीं चाहता कि मेरी चार्जशीट में कोई छोटी मोटी बात जुड़े। आप मुझे लेकर ऐसे ही परेशान हैं। हाँ विशाल, मेरे करियर का पहला केस है जिसे लेकर मैं वाकई परेशान हूँ। जिंदगी में कभी शिकस्त नहीं देखी, शायद ये भी वजह हो सकती है। खुराना साहब, आपकी काबिलियत पर आपसे ज्यादा मुझे भरोसा है। ये केस आप ही जीतेंगे, यकीन कीजिए। इस केस के बाद कानून के इतिहास में आपका नाम याद रखा जाएगा। आप नहीं भागूंगा यहां से, नहीं भागूंगा यहां से, भागूंगा नहीं। मैजिस्ट्रेट जयवंत डोगरा साहब, जगदीश खुराना की लाश पड़ी है यहां पर, मार दिया इसे मैंने, और आप ये कुर्सी छोड़ दो। आपको इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। अरे बचा लिया, आज मैंने आपको एक गलत फैसला सुनाने जा रहे थे आप, और ये जगदीश खुराना, इसने इस अदालत में यह साबित कर दिया कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया। बेकसूर हूं मैं, नहीं मैंने एक नहीं, चार चार खून किया मैंने। और ये बात ये भी जानता था। अरे अदालत में आने से पहले इसने सब कुछ जान लिया था मुझसे। इसे मालूम था कि मैंने किसे कब कहा और किस हाल में मारा है। इसने मुझसे पूछा था कि गोली मैंने कितनी दूरी से चलाई थी, और वो गोली सीने में लगी थी या सर में। जिसका गला दबाकर मैंने मारा था उसके मुंह से खून निकला था या नहीं, उसकी आंखें खुली थी या बंद, ये सब ये जानता था। कुछ समझ में आ रहा है मैजिस्ट्रेट जयवंत डोगरा साहब, कुछ समझ में आ रहा है? 10 करोड़ रुपए लिए थे इसने मुझे बचाने के लिए। जगदीश खुराना कानून का हिमायती नहीं, कानून के बाजार में अपनी दुकान चलाता था। मैंने कानून से बचने के लिए नहीं, कानून की आंखें खोलने के लिए अपना केस इसके हाथों में दिया था। यह अदालत है, इंसाफ होता है यहां पर, सच्चाई और झूठ की परख होती है यहां पर। नहीं, यहां पर कुछ नहीं होता, सिर्फ बहिष्कार होता है, बहिष्कार, कानून का बहिष्कार। हर अदालत में जगदीश खुराना जैसे लोग करते हैं बहिष्कार, और हर अदालत में ऊंचाई पर इनके जैसा ही एक आदमी बैठा होता है, ऐसे ही, और बैठे होते हैं ये सब तमाशबिन लोग, पूरा तमाशा मजा लेकर देखते हैं। इनके लिए अदालत की कार्रवाई हो या मदारी का खेल, बस मजा आना चाहिए, मजा। क्यों आ रहा है ना मजा? मजा लो मजा। कुछ समझ में आ रहा है मैजिस्ट्रेट जयवंत डोगरा साहब? अरे अगर तमाशा ही करना तो इतने बड़े तामझाम, इतनी बड़ी जगह की क्या जरूरत है? अरे बंद करो ये सबको।